समस्तीपुर में हो रही रुक रुक कर बारिश की वजह से पटोरी अनुमंडल क्षेत्र से गुजरने वाली गंगा नदी के जलस्तर में खतरे के निशान से काफी करीब पहुंच चुकी है। बताया जाता है कि पिछले 24 घंटों में गंगा के जलस्तर में 7 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 1.55 मीटर नीचे है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से गंगा नदी अपने उफान पर है। जैसे गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार करता है, वैसे ही मोहनपुर प्रखंड के 4 गांवों में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। खतरे के निशान को पार करने के बाद चाहेगरा गांव, सरसावा, नोघरिया, हरदासपुर गांव में पानी प्रवेश करने लगेगा। हालांकि जैसे जैसे गंगा के जलस्तर में वृद्धि होती है, वैसे वैसे इन इलाकों के लोगों को बाढ़ का डर सताने लगता है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दलसिंह सराय के सरारी स्थित कैंप पर तैनात कनिष्ठ अभियंता जितेश रंजन ने बताया है कि गंगा नदी का जलस्तर रविवार सुबह 6 बजे के रिपोर्ट के अनुसार 43.88 मीटर था। वहीं सोमवार सुबह 6 बजे की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर 43.95 मीटर है। पिछले 24 घंटे के अंदर 7 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अब गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1.55 मीटर नीचे है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि का कारण उन्होंने कहा है कि रुक रुक कर बारिश होने की वजह से ये है। लगातार जो रुक रुक कर बारिश होती है, इसलिए गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। समस्तीपुर में हो रही रुक रुक कर बारिश की वजह से पटोरी अनुमंडल क्षेत्र से गुजरने वाली गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी करीब पहुंच चुका है। बताया जाता है कि पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 1.55 मीटर नीचे है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।